और सर नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते प्रदीप भाई। बस बढ़िया सर, आप सुनाओ कैसे? बस बढ़िया, आप बताओ कैसे? आपके यहाँ तो तड़ाके की धूप हो रही है। हाँ, अभी हमारी अक्टूबर हीट, नवंबर हीट, अभी दिसंबर हीट भी आने लग गई है तो, है ना? यानी कि गर्मी, मेरे को लगता है गर्मी तो यहाँ नहीं नहीं बस यही चलेगा, अभी ये पूरा बारिश तक ऐसे ही चलेगा। अच्छा, सर्दी में भी ये ऐसा ही रहता है क्या? मुंबई में अगर 19 डिग्री टेम्परेचर हो गया या 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया, हमें बोलते हैं यार ठंडी आ गई। अच्छा अच्छा, समझ लो हम लोग 20 डिग्री पे खुश हो जाते हैं। तो स्वेटर पहनने की जरूरत थोड़ी पड़ती होगी? नहीं, ये देखो यही निकालना पड़ेगा 10 मिनट के बाद, क्योंकि धूप बहुत हो रही है, पसीना आ रहा है। तो सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम वैभव हरीश मामुनकर है और मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से? मुंबई, महाराष्ट्र राज्य से हूँ। ओके, तो सर अभी आपने ये बच्चा है आपके पास में? बिल्कुल, ये 15 महीने का बच्चा है। 15 महीने का? 15 महीने का बच्चा है। जब्बार नाम है इसका। क्या नाम है? जवाहर? जब्बार। जब्बार, जब्बार नाम है इसका। ओके, बड़ा टाइट नाम रख दिया है। हाँ, बिल्कुल। उम्र इसकी 15 महीने है अभी? 15 महीना चल रहा है इसका अभी। हाँ, 15 महीना चल रहा है और ये डिप्यूटी का बच्चा है और शानदार इसका, यानी शानदार का पोता। शानदार का पोता और अलीशान का परपोता। परपोता, हाँ जी, शानदार लाइन से है ये। तो आपने जब लिया था, जब कितने मंथ का था ये? ये जब मैंने लिया था तभी 12 महीने का था। 12 महीने का? 12 महीने का था, अभी हमारे पास 3 महीने हुए हैं उसको आके। 3 महीने? हाँ जी, मेरा पहला घोड़ा ये। तो कितना टाइम देते हो अभी आप इसको? मेरा देखो, मैं रहने के लिए मुंबई में हूँ, ये फार्म हमारे घर से एक 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। ओके। तो मैं सैटरडे संडे यहाँ पे आ जाता हूँ। सैटरडे संडे पूरा दिन यहाँ पे रहता हूँ, फार्म पे होता। पूरे दिन ही रहते हो? बारिश हो, ठंडी हो, ठंडी तो है नहीं हमारे पास, बारिश हो, गर्मी हो, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन हम सैटरडे संडे पूरा सुबह से लेकर रात तक फार्म पे होता हूँ। तो वैसे घोड़े के अलावा क्या बिजनेस अपना है? घोड़े के अलावा मैं एचआर में हूँ, सर्विस करता हूँ। मैं एक MNC कंपनी, ऑस्ट्रेलियन MNC कंपनी है इंडिया में, जिसका मैं हेड एचआर हूँ, इंडिया हेड एचआर हूँ। ओके, और उसके मतलब सर्विस वाला बंदा हूँ। और घोड़ा ये बचपन से रहा हुआ शौक है जो अभी। तो जैसे कि बम्बई, जैसे कि बम्बई बहुत बिजी सिटी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आप जॉब भी करते, तो फिर शौक कैसे लग गया घोड़े का? ऐसा है कि मैं बचपन से, मेरी दादी जो है वो वर्ली में रहती है यहाँ पे हमारी मुंबई में, और वहाँ पे रेसकोर्स है। Okay. तो बचपन में मेरे को जब भी मैं दादी के घर में जाता था तो उसका एक लालच होता था, तुझे रेसकोर्स लेके जाऊँगा। अच्छा, यानी कि तो जहाँ घोड़े रहते थे। जाता जहाँ पे मुंबई रेसकोर्स के बराबर बगल में, मतलब आधे आधे किलोमीटर पास में मेरी दादी रहती है, उनका घर आज भी उधर ही है। Okay. तो बचपन से जो घोड़े देखने का शौक था वहाँ पे। यहाँ पे मैं दूसरा रहता था पहले, सांता क्रूज करके, वहाँ पे हम अपने जू बीच करके है, अगर आपने सुना होगा। जू बीच? तो जू बीच पे पहले घोड़े भागा करते थे। अच्छा, तो सैटरडे संडे घर पे वो एक ही लालच होता था मेरे को, जू बीच लेके चलो, इसके लिए कि बस घोड़े घोड़े देखने और घोड़े देखने जा रहे हैं बस। वो शौक पहले से था जो अभी लॉकडाउन में पूरा कर दे, एक बकेट लिस्ट थी हमारी। अच्छा, कि एक कुछ लेना है, पूरा करना है, वो अभी पूरा कर दे। यानी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा फ्री रहे होंगे, तो सबसे ज्यादा वीडियो देखे होंगे, तो ज्यादा शौक लगा। ये लिया भी है आपके वीडियो के बदौलत, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आपको घोड़ा मार्केट में आने के बाद कैसा लगा, यानी कि कैसा है मार्केट, यानी कि आपके दिमाग में क्या एक प्रतिमा? देखो, मैं तभी एकदम पूरा नया नवेला दूल्हा बोलते हैं ना, वैसे था, तो कुछ पता नहीं था। अभी कोई बोलता है भौरी देखी क्या, कोई बोलता है लाइन देखी क्या, कोई बोलता है घोड़ा देखा, तो मैं तो एक ही बोलता हूँ, मैंने सिर्फ घोड़ा देखा, मुझे घोड़ा पसंद है। कलर मेरे बचपन से मेरा कुमेद फेवरेट कलर रहा है, क्योंकि जब भी मैं इसके पर जाता था अपने रेस कोर्स पे, तो वहाँ पे सारे कुमेद रंग के ज़्यादा करके थोरोबर्ड्स होते हैं। Okay. तो मेरे जहन में एक ही था, घोड़ा मतलब कुमेद रंग का घोड़ा होता है, कुमेद कलर का घोड़ा में आया होगा, यानी टारगेट सेट था। और वैसे भी देखो, अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो, बड़ी सिटी वालों को डीमोटिवेट करने के लिए आदमी को बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो समझदार होता है। अगर मान के चलो किसी गांव का बंदा है, तो वो एक सेकंड में डीमोटिवेट हो जाएगा, अरे उमेद कलर क्यों ले रहा है, इसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। सच बताऊं तो जब मैंने घोड़ा आया, अभी 2-3 महीने हुए, फेसबुक पे काफी सारे दोस्त बने हैं, जान पहचान वाले हो गए जाने, तब मुझे पता चलने लगा कि भाई इसमें भौरी नाम की चीज़ होती है, इसमें ये मन को देवमन बोलते हैं, कंठमन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, उसकी हाइट ऐसी होती है, वैसी होती है। मेरा तो सिंपल था, मुझे घोड़ा चाहिए, कौन सा नस्ल का घोड़ा चाहिए, कैसा चाहिए और क्यों चाहिए, बस उसके आगे फिर वो जो लाइन वाइन है वो तो आपके वीडियोस देख के अभी मैं देखने सीखने लगा कि भैया ओके, ये भी होता है और वो भी होता है। बाकी हमारे लिए तो बस घोड़े का शौक था, एक बच्चे जो पूरा था, बस पूरा जो पूरा कर रहे हो आप, उसको मतलब आपने अगर मेरा ये भी देखा रहेगा उसका, बाकी मैं जनरली जितने भी सारे दोस्त वगैरह से भी बातें होती है तो उनसे एक ही बोलता हूँ, घोड़ा रखना है किस पर्पज़ के लिए रखना है वो आप पहले फिक्स कर लो, बाकी सब उसके बाद में लो, उसके बाद में आपका सब बराबर उसमें गिरते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
जस्ट बिकॉज मेरे पास है इसके लिए आपने ले लिया, आपके पास है मैंने ले लिया, वैसे नहीं करो। यानी होड़ नहीं करने की, होड़ नहीं करो। आप पहले उसमें ले मन बना लो। अभी मैं कम से कम एक साल से रिसर्च कर रहा था, फिर सोचा कि नहीं अभी मेरी मानसिक तैयारी है घोड़े रखने की, आर्थिक तैयारी है घोड़े रखने की, तो और उसके साथ जो आने वाला जो उसका टाइम चाहिए, उसको उसका खान पान हो गया या उसका केयर हो गया या उसकी रेख रखाव सेवा हो गई, वो जब मैंने ठान लिया कि है मेरे पास उतना टाइम, उसके बाद में फिर आपने लिया, उसके बाद ले लिया मैंने। तो सर आप जब घोड़ा मार्केट में आए और अभी हो, तो जो नए लोग हैं जो आपकी तरह ही घोड़ा लेने की सोच रहे हैं, चलो मान के चलो आपको 3 महीने का एक्सपीरियंस हो, 4 महीने का हो, 3 महीने का एक्सपीरियंस भी बहुत होता है, बहुत है क्योंकि है। बहुत कुछ पहचान जाता है आदमी, पहचान हो जाती है आपकी, आपको मतलब एक होता है कि एक वीडियो देखना और एक फेसबुक देखना और उसके ऊपर से घोड़ा तय करना, और जब घोड़ा आपके पास सामने आ जाता है वो एक बहुत अंतर है। और दूसरा उसमें जैसे अभी है कि आप कोई कोई बात करता है कि मैं घोड़ा ले लूंगा, लेकिन घोड़ा लेके करेगा क्या? अभी कोई बात करेगा आपको मैं कॉर्ड ले लूंगा, फिर ले लूंगा, बच्चे ले लूंगा, इसका इतने में बिकता है, उसका इतने में बिकता है, वो बस वो देखने के लिए सुनने के लिए ठीक है, बाकी आप आपके जहन क्या बोलता है, आपका मन क्या बोलता है, आपको देखो कभी भी देखो लोग मार्केट में बोलते हैं कि फलाना बच्चा इतने में बिका। मैं एक चीज जानता हूँ, जो लेने वाला है और जो देने वाला है, उसके अलावा सबों को हवा में रेट पता रहती है, सब अपना अंदाजा लगाते हैं। और दूसरा जैसे मैंने कहा कि आपका पर्पस क्या है, एक बार आपका पर्पस सेट हो जाता है क्यों लेना है आपको, उसके बाद आप सोचो आगे क्या करना है, क्या फिर कोई दिक्कत भी नहीं आती। बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। तो सर घोड़ा मार्केट में जो नए लोग अभी घोड़ा खरीदने की तैयारी में है, खरीद रहे हैं, तो आप क्या एक नए, आप भी नए व्यक्ति हो, तो आप क्या उनको बताना चाहोगे कि उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहले तो ऐसा है कि पहले जैसे अभी मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में घोड़ा पालना बना है, मुंबई के अंदर आपको कोई स्टेबल नहीं मिलेगा, तो आपको तो पहले यह है कि भैया अगर मैं ले रहा हूँ तो किस पर्पस के लिए ले रहा हूँ, लेने के बाद उसको रखोगे कहाँ पे, तो पहले तो आप आपका स्टेबल और ये सब फिक्स करो। अच्छा। अभी हमारे पास ऐसे नहीं है कि मुंबई के आसपास स्टेबल नहीं है जैसे, बट अभी मेरा घोड़ा जो है वो इमरान पिरानी, अगर आपने नाम सुना होगा, उनकी स्टेबलिंग है मुंबई के पास में, आराम स्टड फार्म्स करके वहाँ पे है, तो यहाँ पर भी जब मैं आया पहले मैं आके दो बार देख के गया स्टेबल कैसे है, क्या नहीं है, क्या फैसिलिटीज है क्या नहीं है, और जब तक आपको अपनापन नहीं आता वहाँ पे, और आपको जब तक नहीं लगता कि यानी जब तक आपको ये नहीं लगे कि यार सामने वाला बंदा मेरे जैसा है या मेरे से बेहतरीन है और मेरे से ज्यादा सेवा कर सकेगा, तब तक आप घोड़ा लेने की सोचो भी मत। बिल्कुल। घोड़े को चाहिए टाइम, घोड़े को चाहिए आपका प्यार, और घोड़े को चाहिए आपकी सेवा। अगर ये तीन चीज आपके पास नहीं है तो यूट्यूब, फेसबुक और दोस्तों के घोड़े देखो, खुश रहो उसमें, खुश रहो। या तो फिर आपके पास अगर स्टेबलिंग की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे अभी नए अश्वपालकों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी कोई कोई बोलता है कि मैं मेले से या किधर से इसके पास से घोड़ा लेके आया और रख दिया, ओके, बट आपको वो रखने के लिए भी जानकार लोग आपके साथ होना बहुत जरूरी है। एक तो जानकार होना ही चाहिए, क्योंकि आप नए हो तो क्या कर लोगे, मान के चलो घोड़ा बीमार हो गया तो आप घबरा जाओगे एकदम, यार क्या हो गया, तो एक बंदे का सपोर्ट तो बैकग्राउंड ऐसे बोले, एक बंदे का एक्सपीरियंस वाले बंदे का आशीर्वाद तो पीछे जरूरी है ही है। बिल्कुल चाहिए, जैसे आपको वो होना बहुत जरूरी है। आज जैसे मुझे अभी आज ये आपके सामने 15 महीने का खड़ा है, लोग ये फोटो देख के भी उसको पूछते हैं मेरे को 10 बार कि भैया सच में 15 महीने का है क्या, ये क्या, क्योंकि इसके पीछे लोगों की मेहनत लगी है, लोगों का प्यार लगा है, तब जाके इतना खड़ा हुआ है। और आपको अगर स्टेबलिंग भी कहीं पे करना है तो आपको वो देखना जरूरी है कि वो स्टेबलिंग वाले के पास क्या एक्सपीरियंस है, उसके पास खुद के कितने घोड़े हैं, उसके पास और उसके घोड़े किस कंडीशन में, उसके घोड़े किस, मान के चलो उसके घोड़े पतली कंडीशन में, वो तुम्हारे घोड़ों को भी वैसा ही कर देगा, और मालिक वो स्टेबल का मालिक कितना खुद टाइम देता है घोड़ों के लिए, वो भी जरूरी है। वो तो है ही है सबसे मेन चीज। तो अभी आप इस घोड़े के साथ में यानी बच्चे के साथ में खुश हैं? पूरा बहुत खुश हूँ, मेरा तो मतलब वो मेरा बोलते हैं ना टाइम स्टॉप हो जाता है, समय रुक जाता है, मेरे को बस देखते रहता हूँ मेरा सैटरडे संडे कब आएगा। ओके। और मैं इसके पास कब आऊँ। तो आने वाले टाइम में और भी घोड़े बच्चे लेने का प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये आपके सामने है, ये रिंग शो से लेकर स्टैलियन तक बनाने की अपनी मंशा है। ओके। इसके लिए देखना, और इसके लिए नहीं कि अपने को अवार्ड चाहिए या कुछ चाहिए, बस कि मेरे पास जो घोड़ा है या जिसको मैं अपना घोड़ा भी नहीं बोलूंगा, बच्चा बोलूंगा, ओके, मेरा बच्चा अगर आपके साथ आपके रिंग में आता है तो मुझे आपसे कुछ सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आपके इसमें आप क्या है वो। और देखो शुरू में जब नए होते हैं तो अपन को थोड़ा सा घूमना पड़ता है, तभी अपन को सीखने। आपके वीडियोस मैं इतने देखता हूं, तो आपके वीडियोस देख देख के मैं, आप जिसकी वीडियोस लेते हो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं, उनसे दोस्ती करता हूं, उनसे समझ लेता हूं कि प्रदीप भाई के इंटरव्यू में आपने ये बोला था तो क्या है क्या नहीं, वैसे करके मेरे अभी काफी दोस्त बने, तो उससे क्या एक आपका ये भी बन जाता है एक। मैं तो क्या कोशिश करता हूँ कि जितनी जानकारी मैं बंदों को दे सकूँ नए वीडियो में देने की सोचता हूँ, एक सर्कल बन जाता है आपका। जैसे अभी मेरे पास मेरे एक दोस्त है श्रीकांत देशमुख करके, जिनकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ, तो उनके पास अभी शानवीर करके शान का बच्चा है, वो 19 महीने का बच्चा है, बुल्ढाना में है वो, तो अभी जैसे ये 15 महीने का है शानवीर, अभी
19 महीने का है। दूसरे एक हमारे एकदम दोस्त है एकदम सुमित पवार करके, उनके पास अभी उन्होंने राजवीर का बच्चा लिया हुआ है, विराट नाम है उसका। तो अभी क्या है वो सर्कल बन गया कॉल वालों का कि भाई आप क्या खिलाते हो क्या नहीं खिलाते हो, क्या उससे पता लगता रहता है। और आप भी अपने घोड़े के बारे में बातें शेयर करते हैं, शेयर होता है, वीडियो शेयर होता है, फूडिंग शेयर होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, तो वो एक सर्कल बन जाता है। और एक है हॉर्स वर्ल्ड में, एक मैंने देखा है, आदमी कितना भी बड़ा हो कैसा भी हो, लेकिन उसको अगर पता चले ना आप भी हॉर्स लवर हो या आप घोड़े वाले हो, वो आपके लिए आपके दरवाजे खोल देता है। नहीं सर, ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। आज के टाइम पे बहुत सारे घोड़े वाले ऐसे हैं जो बिल्कुल यानी कि बहुत बड़े औहदे पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा घोड़ा है, पर 1% घमंड नहीं है। बिल्कुल, इन्हें लगता ही नहीं है कि ये उस घोड़े का मालिक है, पर बहुत सारे घोड़े वालों में इतना घमंड है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल, जैसे अभी मैं अकलूज मेले में गया था, और शो में गया था, वहाँ पे इतने नामी गिरामी घोड़े आए थे और नामी गिरामी हस्ती आए थे, बट जस्ट बिकॉज उनको पता है कि मेरे पास जब्बार है, ओके, और मुझे पता है उनके पास वो घोड़ा है, तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इनको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ या ना फर्स्ट टाइम बात हो रही है। जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिस तरीके से आपको मदद करते हैं, वो ऐसे बोले एक तरीके से ओरिजिनल हॉर्स लवर है। बराबर, और जो एटीट्यूड दिखा रहा है वो खाली अपने घोड़े पे घमंड कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे अभी मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में काफी सारी चीजें मिल जाती है जो कभी कभी गाँव खेड़े में नहीं मिलती, तो मुझे कुछ चाहिए वहाँ से वो उधर नहीं मिलता, एक बस दूसरे को बोलने की गरज है कि मुझे है ना हॉल्टर हो या चाहिए, बस चाहिए या वो आ जाता है, नहीं उनको कुछ मुंबई से चाहिए, बस वो एड्रेस भेज दो आपका, आपके घर पे पहुंच जाएगा। वो एक मैंने देखा है जो इस कम्युनिटी में देखा है, बाकी पहले किधर ऐसे देखा नहीं है किधर। ओके, तो सर थैंक यू, आपसे मिलके अच्छा लगा कि कुछ नए लोगों को सीखने को मिलेगा, और सबसे मेन चीज ये है कि आपका शौक पूरा हुआ। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आपको बस पर्पस पहले सेट करना है कि मुझे घोड़ा क्यों चाहिए, दूसरा घोड़ा रखोगे कहाँ पे, उस रखने वाले की क्या, यानी रखने का और आपको क्यों घोड़ा लेना, ये सब कुछ पहले से ही सेट होना चाहिए। ये नहीं कि घोड़ा लेने के बाद आप स्टेबल बना रहे हो, 6 महीना उसमें दे देना आप घोड़े के लिए, आप 6 महीना दे देना रिसर्च के लिए कि भैया 6 महीना कोई फार्म होगा आपके पास या कुछ होगा, उधर जाके घोड़ा देखिए आपका, और उधर पहले जाने की आदत डालिए, और वहाँ पे ऐसा आपको रखना है ना, आप जब भी घोड़ा लोगे या कोई नया अश्वपालक अगर कुछ प्लान कर रहा है, तो मेरी एक सबसे विनती होगी कि वहाँ पे लीथ निकालने से लेकर घोड़े की दुम साफ करने से लेकर उसको नहलाने तक, बिल्कुल ये अगर 3 चीज आप कर सकते हो, करने की तैयारी है, घोड़ा आप रखो, घोड़ा की सेवा करो, अन्यथा यहाँ बोलोगे कि मैंने किसी स्टेबल पे रख लिया या मैंने 2 लोग राजस्थान से या MP से या पंजाब से 2 लोग मंगा लिए, वो घोड़ा संभाल रहे हैं मेरा, उनके जान पे, वैसे मत करो कि वो भी प्यार का भूखा है, अभी देखो इसको मैं उसको मालूम है ये आएगा तो मेरे को घुमाएगा, मुझे कुछ बिस्किट खिलाएगा, कुछ करेगा, तो उसका वो ही चलता है कि ये आया मतलब उसका एक वो भले हफ्ते में 2 बार वो वही बच्चे जैसा एक बार 2 बार आता हूँ, लेकिन उसको बराबर पता होता है ये आएगा तो ये मेरे को घुमाने लेके जाएगा, ये लाड़ करेगा, प्यार करेगा, ये जानता है यार, बस बात नहीं कर सकता आपसे, बोल नहीं सकता, समझता है सब, उसके लिए तो मालिक को खड़ा किया जाता है। देखो अभी ऐसे ही मस्ती करेगा, वो मेरे को धक्का मारेगा, मैं उसको धक्का मारूंगा, दोनों की हमारी कुश्ती चलती है दोनों की। वो मेरे स्टेबल वाले भी बोलते हैं सर ये आपसे करता है ना फिर हमसे भी करता है, मतलब करो सीखो आप भी, बिल्कुल चाहिए ये देखो। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।